राहुल गांधी के बाद अब राघव चड्ढा करेंगे अपना सरकारी बंगला खाली। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि राघव चड्ढा का सरकारी बंगला होगा खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़, मैं तुषार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला टाइप 7 खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पिछले साल मार्च में पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए चड्ढा को 6 जुलाई 2022 को टाइप 6 बंगला सी 1/12 पंडारा पार्क आवंटित किया गया था। इसके आदेश पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 18 अप्रैल को दिया गया था। इसके बाद पिछले साल ही 29 अगस्त को राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को टाइप 7 आवास के आवंटन का अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन सौंपा था। उसके बाद उनके इस अनुरोध पर विचार किया गया और 9 सितंबर 2022 को पहले के आवास के बदले उन्हें राज्यसभा पूल से बंगला नंबर AB5 पंडारा रोड नई दिल्ली आवंटित कर दिया गया, जिसके बाद वो 9 नवंबर 2022 से राघव अपने माता पिता के साथ उसमें रहने लगे। अब इसी साल 3 मार्च को उन्हें एक पत्र मिला जिसमें आवंटन रद्द करने की बात कही गई। जी हाँ, और इसके बाद पता चला कि उनसे अब ये बंगला खाली कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये पत्र राज्यसभा सचिवालय की ओर से आया था, जिसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में उन्होंने मांग की कि बंगला किसी और को आवंटित नहीं किया जाए। इसके साथ ही चड्ढा ने मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए प्रतिवादी से 5,50,000 रुपए का हर्जाने की भी मांग की। राघव चड्ढा ने आगे लिखा कि मेरे आवंटित आवास को रद्द करना कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि यह भाजपा की प्रतिरोधी रवैये का एक स्पष्ट उदाहरण है। कार्यवाही राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत की गई है। आगे उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मेरी निडर आवाज को दबाने, मुझ पर दबाव बनाने और मजबूर करने को लेकर एक मुख्य मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह ठहराने से रोकने का प्रयास है। लेकिन अंत में अब उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 8 जून को राहत मिल गई। कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर राज्यसभा सचिवालय से अपने नोटिस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आप सांसद राघव चड्ढा के बंगला खाली कराने पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद 10 जुलाई को करेगी और तब तक अभी यह बंगला खाली नहीं कराया जाएगा। ये राहत एक बहुत बड़ी राहत राघव चड्ढा के लिए मानी जा रही है। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।